Hello everyone. Hope you all are good. Welcome to English class. My name is Devki and today we will read a poem from our English book and the name of the poem is The Caterpillar and the Butterfly. Yes. This poem is about a caterpillar and a butterfly. So let's read the poem. A caterpillar, green and fat, upon a juicy cabbage set. Means एक caterpillar जो green color का था और काफी fat था, वो एक juicy cabbage के ऊपर बैठा हुआ था. Eating all day through, और वो पूरे दिन उस cabbage को खाता रहता था. And when a dazzling butterfly, creamy white, came sailing by. तभी एक क्रीमी व्हाइट कलर की बटरफ्लाई जो काफी डेजलिंग शाइन कर रही थी वो वहां उड़ती हुई आई. दे बोथ सेड हाउ डू यू डू, और उन दोनों ने एक दूसरे को बोला हाउ डू यू डू, मींस आप कैसे हो. आई होप यू लाइक माय पाउडर विंग्स. तभी बटरफ्लाई ने उस फैट ग्रीन कैटरपिलर से पूछा आई होप तुम्हें मेरे पाउडर्ड विंग्स बहुत पसंद आए होंगे. दे आर जस्ट द वेरी लेटेस्ट थिंग, मींस दिस इज समथिंग न्यू. जो मेरे विंग्स हैं वो आज के टाइम की बहुत ही लेटेस्ट थिंग है. सेड बटरफ्लाई इन ग्ली, बटरफ्लाई ने काफी खुश होते हुए ये बात बोली. एंड सी माई टंग सो लॉन्ग एंड कर्ल. तभी बटरफ्लाई ने बोला और तुमने मेरी टंग देखी वो कितनी लॉन्ग और कर्ल है, मीन्स लॉन्ग भी है और वो कर्ल भी हो जाती है. द फाइनेस्ट वन इन ऑल द वर्ल्ड, एंड शी सेज आई थिंक दिस इज द फाइनेस्ट थिंग, मीन्स पूरे वर्ल्ड में ये सबसे बेस्ट चीज है. अ ट्रीट फॉर यू टू सी, और तुम्हारे लिए तो एक ट्रीट है, मीन्स तुमने आज तक ऐसी चीज नहीं देखी होगी. सो यू शुड बी वेरी हैप्पी कि तुम्हें इतनी यूनिक चीज देखने के लिए मिल रही है. पुअर कैटरपिलर, यू कांट सिप द नेक्टर फ्रॉम अ फ्लावर्स लिप. तभी वो बटरफ्लाई उस कैटरपिलर से बोलती है कि तुम्हें तो बहुत बुरा लगता होगा कि तुम एक फ्लावर से नेक्टर की सिप भी नहीं ले सकते. नेक्टर मीन्स फ्लावर के अंदर जो जूस होता है जो इंसेक्ट्स जनरली उसको ड्रिंक करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेक्टर. तो बटरफ्लाई बोलती है कि मैं तो उस नेक्टर को डेली ले सकती हूँ फ्लावर से, बट तुम तो वो नेक्टर भी सिप नहीं कर सकते फ्लावर से. नॉर फ्लाई द समर थ्रो, और ना ही समर्स के टाइम में तुम कहीं उड़कर जा सकते हो. द कैटरपिलर रेज्ड हिज हेड. Don't pity me, he rudely said. I am better off than you. Butterfly की ये सब बातें सुनकर caterpillar ने अपना सर ऊपर किया है. He said, don't pity me, means मेरे ऊपर ऐसे दया मत खाओ. He rudely said, उसने ये बात ना काफी गुस्से में आकर बोली. I am better off than you, मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूं, caterpillar said. I eat all day, I sit and stare. उसने बोला कि मैं पूरे दिन आराम से बैठकर खाता रहता हूँ और इधर उधर देखता रहता हूँ. I want no flying through the air. मुझे इधर उधर उड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है. I like to creep and crawl. मुझे creep करना और crawl करना means रेंगना ही पसंद है. A butterfly I did hate to be, और मुझे बटरफ्लाई बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. It's best to be a grub like me, a caterpillar small. उसने बोला इससे मुझे तो जैसा मैं हूं मुझे वैसा ही पसंद है. मुझे एक कैटरपिलर रहना ही पसंद है, मुझे बटरफ्लाई बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. Then all the elves who listen near. उन दोनों की जब कॉन्वर्सेशन हो रही थी, जब बटरफ्लाई और कैटरपिलर एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, तो उन दोनों की बातें कुछ एल्फ सुन रहे थे. Who are the elves? Elves कौन होता है?
वो लोग जिनकी हाइट काफी कम होती है, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं बोने लोग, जो छोटे हाइट के लोग होते हैं हमने एल्स बोलते हैं। तो जो एल्स थे वो उन दोनों की कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे। लाफ्ड लाइक एनीथिंग टू हियर द क्वेरल ट्विक्स द टू। वो दोनों उन दोनों के बीच की आर्ग्यूमेंट को सुनकर बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। बट नीदर द ग्रब नॉ बटरफ्लाई, बट उनके अकॉर्डिंग नीदर द ग्रब ओवर हियर द मीनिंग ऑफ ग्रब मीन्स इंसेक्ट, जो इंसेक्ट होते हैं उनको हम ग्रब भी बोलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू देम दे से दैट नीदर द ग्रब नॉर द बटरफ्लाई कुड एवर गेस द रीजन व्हाई। मींस वो दोनों हंस रहे थे उनके आर्ग्यूमेंट को सुनकर, और वो सोच रहे थे कि बटरफ्लाई और कैटरपिलर दोनों में से कभी ये कोई नहीं बता सकता कि हम उन दोनों की बातें सुनकर क्यों हंस रहे हैं। आई नो इट दो डू यू, बट हमें ये पता है, क्या तुम्हें पता है? यस स्टूडेंट्स, डू यू नो कि जो एल्स थे वो कैटरपिलर और बटरफ्लाई की कॉन्वर्सेशन आर्ग्यूमेंट को सुनकर क्यों हंस रहे थे? वो इस बात पर क्यों हंस रहे थे कि जो बटरफ्लाई थी वो अपने आप को बेटर बता रही थी और जो कैटरपिलर था वो खुद को ज्यादा अच्छा बता रहा था बटरफ्लाई से, और दोनों ही एक दूसरे के अपीयरेंस के अगेंस्ट थे। मींस दोनों ही एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे कि तुम अच्छी नहीं हो बट मैं अच्छी हूँ, एंड कैटरपिलर वाज सेइंग कि मैं अच्छा हूँ बट द बटरफ्लाई इज नॉट गुड। और दोनों ही ये भी बोल रहे थे कि मैं कभी कैटरपिलर बटरफ्लाई वाज सेइंग कि मैं कैटरपिलर से ज्यादा बेटर हूँ, एंड द कैटरपिलर वाज सेइंग कि मैं बटरफ्लाई से ज्यादा बेटर हूँ। बट एल्स वर लाफिंग बिकॉज वो दोनों ही एक है, बिकॉज जो बटरफ्लाई है वो कैटरपिलर से ही बनती है। मीन्स कैटरपिलर की लाइफ साइकिल का जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो होता है एक बटरफ्लाई। कोई भी कैटरपिलर जब अपनी लाइफ साइकिल में आगे बढ़ता है तो वो आगे जाकर एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है। दैट्स व्हाई वो जो एल्स थे वो हंस रहे थे, बिकॉज उन्हें पता था कि जो कैटरपिलर है वो इन फ्यूचर एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन जाएगा, और जो एक बटरफ्लाई है वो बटरफ्लाई बनने से पहले एक कैटरपिलर थी। Interesting, no? So from this lesson we also learned a very important lesson कि हमें कभी भी किसी की appearance का मजाक नहीं बनाना चाहिए। Everything is beautiful और हर कोई चीज एक beautiful thing में convert हो सकती है। Yes? So we should never judge anyone on their appearance, based on their appearance. I hope you have enjoyed this poem with me. You will get question answers of this poem on ERP. So we will meet again with another video lesson. Till